नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्टर कैसे करते हैं, ठीक है। अब इस बार हम क्या करेंगे कि लॉगिन कैसे करते हैं वो कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे और चेक भी करेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये था रजिस्टर का, हमें यहाँ पे ईमेल आईडी, यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल गया था। तो आते हैं हम कोड में, ठीक है। अब इसमें हमें चाहिए कि ये रिडायरेक्ट हो लॉगिन पे, तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर देंगे हम। सिंपली करते हैं यहाँ पे सी डॉट रिडायरेक्ट सिंपल, और यहाँ पे लिखेंगे HTTP डॉट स्टेटस फाउंड, ठीक है। तो स्टेटस फाउंड सिंपल, और एंड यहाँ पे देंगे हम लॉगिन, बस इतना सही। अब इस लॉगिन को हमें क्या करना है, सेटअप में नहीं सॉरी राउट्स में ऐड करते हैं। यहाँ पर इसको गेट दे देता है, आर डॉट गेट, एंड यहाँ पे सिंपली दे देंगे लॉगिन, एंड यहाँ पे करेंगे कंट्रोलर कंट्रोलर, लेकिन हालांकि रजिस्टर नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे देंगे शो लॉगिन पेज सिंपल, बस इतना सही। अभी ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम अवेलेबल करके देंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया इसे और सिंपली यहाँ पे आते हैं और सिमिलर ये लिखिए, यहाँ पे सिंपल फंक शो लॉगिन पेज, और इसी के जैसे ही हम एक लॉगिन पेज बना देंगे रजिस्टर के जैसा। तो यहाँ पे लिखेंगे गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, और सिंपली इस तरीके से सी डॉट HTML, और इसके अंदर हमें डालना है HTTP status, ओके HTTP डॉट स्टेटस ओके, एंड दे देते हैं यहाँ पे लॉगिन पेज लॉगिन डॉट HTML सिंपल, एंड यहाँ पे गिन डॉट एच, एंड सिंपली दिस वे, ओके डन। अब इसे हमें क्रिएट करना होगा, तो सिंपली हम आते टेम्प में और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं इसको लॉगिन पेज का, ठीक है। हालांकि मोस्ट ऑफ द कोड में पूरा का पूरा इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। इसमें से हमें देखो क्या क्या नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमें यूज़र नेम नहीं चाहिए क्योंकि हम ईमेल आईडी ले रहे हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम को हम हटा रहे हैं यहाँ से, ओके यूज़र नेम हट गया। सेकेंड हमें क्या करना है, इसको भेजना है लॉगिन पे लॉगिन सिंपल। अब हमने इसको क्या करा, लॉगिन पे भेज दिया एज अ पोस्ट, तो ये ईमेल आईडी लेगा पासवर्ड लेगा, ओके। और बाकी सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पे देंगे हम रजिस्टर सिंपल, एंड यहाँ पर हम देते हैं रजिस्टर सिंपल, दैट्स ऑल। और इसको वो इसको यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन इस तरीके से, तो ये अपने आप चलता रहेगा सिंपल, ठीक है। अब इसे हम चला के देखते हैं कि ये कैसे चलता है। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल से, एंड अगेन रन किया मैंने इसको, आते वापस यहाँ पे और नया यूजर हम क्रिएट कर लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने इसको, यहाँ पे बताते यूजर वन, यूजर वन एट gmail.com, पासवर्ड इज यूजर वन सिंपल, एंड साइन अप। देखिए ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो गया, हालांकि यहाँ पे लॉगिन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे यूजर वन आ चुका है इस तरीके से, ओके डन। हालांकि इसमें एक चेंज करना था, ये था यहाँ पे लॉगिन सिंपल, और यहाँ पे भी दे देते हैं हम लॉगिन, तो टाइटल भी लॉगिन हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश करके यहाँ पर भी लॉगिन दिख रहा है और यहाँ पर भी लॉगिन दिख रहा है। हालांकि अभी हमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस लिखना है। जैसे कि लॉगिन पे आएगा और ये सबमिट करेंगे, तो ये यहाँ पर राउट्स में हमें यहाँ पर लिखना होगा आर डॉट पोस्ट, और सिंपली इसके अंदर हम देंगे लॉगिन बस, और सिमिलर कंट्रोलर यूज करेंगे, कंट्रोलर कंट्रोलर डेटा शो के बदले हम क्या देंगे यहाँ पे लॉगिन लॉगिन सिंपल। अब ये क्रिएटेड नहीं है तो ये एरर दे रहा है, तो सिंपली इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोलर में आए
और यहाँ पे आके एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फन लॉगिन डेटा, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए कोड लिखना चालू करते हैं। देखिए हमें, मैं थोड़ा सा अलग वे में जा रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली हम वेरी कंडीशन में ही नहीं चेक करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। हम लोग पहले यूजर नेम है क्या चेक करेंगे, अगर है तो पासवर्ड को मैच करके देखेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट लिखना होगा, तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, वेर इनपुट स्ट्रक्ट सिंपल। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये भी एक तरीका है कि हमें स्ट्रक्ट लिखने का इन अ फंक्शन, ओके। तो यहाँ पे लेते हैं ईमेल, हमें ईमेल चाहिए, ईमेल सिंपल एज अ स्ट्रिंग, और ये कहाँ से आएगा, फॉर्म से आएगा, तो यहाँ पे लेते हैं फॉर्म एज अ ईमेल सिंपल। अगर इसे आपको रिक्वायर्ड रखना है तो आगे के प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि इसको रिक्वायर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं पासवर्ड एज अ स्ट्रिंग, फॉर्म और पासवर्ड सिंपल, बस इतना सही। इससे हो गया स्ट्रक्ट क्रिएट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वैल्यूज ले लेते हैं फॉर्म से, जो जो वैल्यूज फॉर्म से आ रही है वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ एरर इज इक्वल्स टू और सी डॉट शुड बाइंड, बाइंड क्यों, क्योंकि हमें पूरी वैल्यूज हमें इसमें डालनी है इनपुट में, तो यहाँ पे लेते हैं इनपुट सिंपल। देखिए ऊपर भी हमने क्या करा है, पूरी वैल्यूज यूजर में डाली हुई है, तो इसी तरीके से हमने पूरी वैल्यू अभी कहाँ पे डाली, इनपुट में डाली। क्यों डाली, क्योंकि हमें चेक करना है इसके लिए। तो यहाँ पे लेता हूँ मैं एरर इज नॉट इक्वल्स टू निल है, तो सिंपल प्रिंट करना, क्या प्रिंट करना, हाउ सॉरी यहाँ पे सी गिन डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये लिखना भूल गया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे एरर दे रहा था, ठीक है। अब यह एरर हट गई, तो यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट जेसन, और इस जेसन में हम दे देते हैं बैड रिक्वेस्ट, HTTP डॉट स्टेटस बैड रिक्वेस्ट सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज भी हमें देना होगा, तो मैसेज दे देते हैं यहाँ पे गिन डॉट एच, और इसके अंदर हम देंगे एरर सिंपली एंड एरर डॉट एरर्स सिंपल, और इसे हम करते हैं रिटर्न, रिटर्न दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है, हमें हमने तो इनपुट ले ली है, अब हमें क्या करनी है, क्वेरी चलानी पड़ेगी। तो क्वेरी चलाने के लिए हम यहाँ पे दो चीजें करेंगे, क्वेरी से हमें क्या करना है, डेटा भी लेना है, अगर वो सक्सेस हुआ मतलब ईमेल आईडी है डेट टेबल में तो वो पूरा का पूरा डेटा हमें लेना है, जैसे कि आईडी, ईमेल आईडी एंड यूजर नेम। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इफ एरर इज इक्वल्स टू सिंपली मॉडल db डॉट वेयर, और वेयर में हम लिखेंगे ईमेल, क्योंकि हमें ईमेल से चेक करना है, इस तरीके से सिंपल। अब देखिए यहाँ पे हमने इनपुट लिया हुआ है, तो यहाँ पे लेंगे हम इनपुट, इनपुट डॉट ईमेल, समझा क्यों हमने इनपुट लिया, क्योंकि हमें इनपुट के साथ चेक करना था ईमेल आईडी को, इसके लिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनपुट डाल दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारी, कि हमें पूरा का पूरा डेटा चाहिए, तो पूरा डेटा चाहिए, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लिया मैंने इसमें, और इसके अंदर मुझे क्या करना होगा कि वैल्यू को स्टोर करना है, जैसे कि यूजर में, तो उससे पहले हमें यहाँ पे वेयर यूजर एंड मॉडल यूजर लिखना होगा, तो हम पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजर, देखिए इस तरीके से, तो ये अगर उसको मिल गया यहाँ पे, तो फर्स्ट उसने क्या किया कि इसके अंदर पूरे का पूरा डेटा डाल दिया, जो जो हमें चाहिए, आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सारा कुछ इसमें यूजर में डाल दिया इसने, ठीक है। अगर कुछ एरर है तो एरर लिख दो, तो ये एरर लिख देगा यहाँ पे, और सिंपली हम क्या करते हैं एरर को चेक करते हैं, इफ एरर इज नॉट इक्वल्स टू नील है, तो सिंपली क्या कर, रिटर्न कर, तो यहाँ पे आएगा सी डॉट जेसन,
सिंपल। और यहाँ पे लेंगे हम HTTP status unauthorized, यहाँ पे लेते हैं HTTP dot status unauthorized, सिंपल। और यहाँ पे हम देंगे ginh dot h, और इसके अंदर हम मेंशन कर देंगे एरर इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, एरर एज अ सॉरी इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सिंपल इस तरीके से, सॉरी पासवर्ड, सिंपल ठीक है। और इसको करते हैं हम रिटर्न यहां पे कि यहां से ही भाग जाओ, ठीक है। इतना हो गया, अब हमें पूरा डेटा मिल गया। अब हमारे पास देखो, हमारे पास क्या क्या है, इसमें यूजर का पासवर्ड भी है जो डेटाबेस से है, और ईमेल आईडी में से यहां से जो पासवर्ड आया है इनपुट में से, तो ये इनपुट का पासवर्ड भी है, तो ये सेकेंड ऑप्शन है। हालांकि हम इस तरीके से भी लिख सकते थे यहाँ पे कि एंड पासवर्ड आल्सो, बट ऐसा नहीं करना है मुझे, थोड़ा सा नया अप्रोच के साथ जा रहा था, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि पासवर्ड को हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पे डिक्रिप्ट करेंगे हम, सिंपल। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ एरर इज इक्वल टू डिक्रिप्ट डॉट, सिंपल कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर हैश पासवर्ड, और इसमें देखिए क्या डालना है हमें, बाइट, ठीक है। बाइट में हम क्या लेंगे, यूजर पासवर्ड लेंगे, यूजर डॉट पासवर्ड, सिंपल। एंड हम बाइट में क्या लेंगे, इनपुट पासवर्ड लेंगे, सिंपल। तो यहां पे इस तरीके से बाइट और सिंपली इनपुट डॉट पासवर्ड, सिंपल ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा कम करता हूं तो आपको दिखेगा, ओके डन। तो इस तरीके से हमने कर लिया, ठीक है। अब ये सही होगा तो यहां पे क्या करेंगे हम, एरर इज नॉट इक्वल टू नील, तो सिंपल यहां पे हमें क्या देना है, जेसन अनऑथराइज देना। अगेन हम लिखेंगे यहां पे सी डॉट जेसन और HTTP डॉट अनऑथराइज अन स्टेटस स्पेलिंग गलत होगी, स्टेटस अनऑथराइज, सिंपल। और यहां पे देंगे हम गिन डॉट एच एंड एरर में हम देते हैं इसको सिंपली इनवैलिड पासवर्ड, सिंपल। और इसको हम करते हैं रिटर्न। देखिए मैंने क्या करा, ये चीज को है ना यहां पे कंपेयर किया, यहां पे, ना कि इसमें डाल के चेक किया, ठीक है ना। सीधा सीधा मैंने बिक्रिप्ट का ही उठाया और इसमें ही कंपेयर करके आगे बढ़ गया। अगर ये कंपेयर में सक्सेस हो गया तो सिंपली हम आगे का कोड लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, देखिए हमें सेशन चाहिए होगा मेंटेन करने के लिए, तो हम सेशन भी ले लेंगे। तो सेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पे लेते हैं सेशन, सिंपल एक वेरिएबल मैंने बनाया, और सेशन डिफॉल्ट करके एक फंक्शन है उसको यूज करेंगे हम, सेशन डॉट डिफॉल्ट सिंपली। एंड हमें क्या करना है, अब सेशन को सेट कर देते हैं हम आईडी से, तो यहां पे लेते हैं सेशन डॉट, ओ सॉरी ये गलत हो गया, कट करता हूं मैं इसको यहां से, हाँ ओके नाउ यहां पे ठीक है, सेशन डॉट सिंपल सेट करते हैं, सेट सेशन को सेट करने के लिए हमें एक्चुअली यहाँ पे इनपुट हुआ है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं हुआ है, ओके ओके। इसमें स्पेलिंग थोड़ी सी मिस है, यहाँ पे एस आएगा, ओके ठीक है। अब देखिए ये पैकेज है यहाँ पे, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आते हैं, कट करते हैं, गो
गेट एंड इंटर, सिंपल। तो ये पैकेज हो गया ऐड। तो इसमें देखिए अब सारे आ गए, यहाँ पे सी लिखते हैं हम सिंपल, ठीक है। अब सेटअप में हमें लिखना है यूजर आईडी, क्योंकि हमें चाहिए यूजर आईडी, यूजर आईडी, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे हम करते हैं यूजर, देखिए यूजर आईडी भी कर सकते हो या ईमेल आईडी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन अस क्या हमें क्या करना है। ईमेल आईडी भी अच्छी बात है, यूजर आईडी भी अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल स्टैंडर्ड हम यूजर आईडी ले रहे हैं। इफ सेशन क्रिएट करने के लिए सेव करते हैं हम सेशन को, तो यहाँ पे लेंगे एरर इज लाइक सेशन डॉट सेव सिंपल, एंड इसको हम लिखते हैं इस तरीके से एरर इज नॉट इक्वल टू nil है। तो क्या करना है, जेसन सिंपल अपना हमेशा का c.json, और इस जेसन में हम डाल देंगे कि इंटरनेट सर्वर एरर। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटस, सो इस तरीके से नहीं, सॉरी http.status इंटरनल सर्वर एरर सिंपल, और यहाँ पे gin.h, और इसके अंदर हम दे देंगे सिंपली कि एरर फेल टू सेव सेशन, एरर एज फेल्ड टू सेव सेशन सिंपल, बस इतना सही। और इसको हम करते हैं रिटर्न, रिटर्न दैट्स ऑल। इतना करने से हमारा सेशन सेव हो चुका है, तो हम किधर से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि ये सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सी डॉट जेसन, और इसको हम सिंपली स्टेटस देते हैं ओके, http.status ओके देते हैं, स्टेटस ओके सिंपल, और यहाँ पे लिख देते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुली। तो सिंपली यहाँ पे gin.h, यहाँ पे देंगे सिंपली मैसेज, मैसेज एज अ लॉगिन सक्सेस, सॉरी सक्सेस फुली सिंपल, ठीक है डन। अब इतना तो कोड हो गया हमारा, लेकिन और एक चीज हमें क्या करनी है कि गो मेन फाइल में सेशन का और एक कोड लिखना होगा हमें, क्योंकि उसको स्टार्ट करना पड़ेगा सबसे पहले तो कुकी के साथ। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं हम स्टोर करके, स्टोर एंड सिंपली यहाँ पे लिखे हम कुकी डॉट न्यू स्टोर, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे आ चुका है कुकी, और न्यू स्टोर इसके अंदर हम डालेंगे सिंपली बाइट्स को। तो यहाँ पे लिखते हैं बाइट, और इस बाइट के अंदर देते हैं हम सीक्रेट सिंपल, एंड नेक्स्ट इंटर मार के यहाँ पे हम देंगे आर यूज, आर डॉट यूज मतलब इसे यूज करना है इसके लिए। तो यहाँ पे लेंगे हम सेशंस, सेशंस एंड उसका वेरिएबल का नाम एंड स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे सेशंस डॉट सेशंस एंड इसको वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम दे देते हैं माई सेशन, माई सेशन सिंपली एंड कॉमा देकर स्टोर, दैट्स ऑल, बस इतना सही। इतना करके हम रन करके चेक कर लेंगे कि कैसे दिखता है हमारा। तो यहाँ पे आते हैं गो रन मेन.गो गो एंड इंटर, वाला बहुत अच्छा इसका मतलब, ठीक है ये रन हो गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और सिंपली यहाँ पे आते हैं हम क्या लिखेंगे, यूजर वन, पासवर्ड भी मैंने दिया था यूजर वन साइन अप, देखो लॉगिन सक्सेसफुल आ गया, ठीक है ना डन। अगर ये दे देंगे तो इनवैलिड पासवर्ड आ गया, देखो ब्लैंक भेजा मैंने ब्लैंक। यहाँ पे अगर मैं कुछ अलग पासवर्ड देता हूँ जैसे कि ए बी,
एंड इनवैलिड पासवर्ड, सिंपल एरर आ गया, हमारा एरर चल रहा है इसका मतलब। और वन के बदले हम सिंपल ये देते हैं और यहाँ पे पासवर्ड सही से देते हैं, यूजर वन, देखते हैं। देखिए इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड, इसको हम मेंटेन करेंगे, हालांकि ऐसे नहीं छोड़ेंगे आने वाले वीडियो में। और लॉगिन तो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ये उसका लॉगिन का कोड है, कहाँ पे गया, यहाँ पर, ये इतना सारा विद द सेशन हमने मेंटेन किया हुआ है। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।